नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करेंगे HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। प्रॉपर प्रोसीजर क्या रहेगा एडमिशन के लिए, किन किन कोर्सेज के अंदर एडमिशन होंगे और लास्ट डेट क्या है एडमिशन फॉर्म भरने की, टोटल सीट्स कितनी है लॉ के अंदर। मैं बेसिकली फोकस सिर्फ लॉ के अंदर करूँगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको बाकी के कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं रीजनल सेंटर के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे लास्ट डेट के बारे में। जो लास्ट डेट आपके फॉर्म भरने की वो है 26 जुलाई 2023, यानी कि आप 26 जुलाई तक जो है वो जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो LLB है, MA है, MCOM, MSc मैथमेटिक्स है, आप वहाँ पे 26 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप तभी करेंगे अगर आपने HPU एंट्रेंसेस के लिए अप्लाई किया होगा, आपका रिजल्ट वहाँ पे आ गया होगा, आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एडमिशन आपके HPU एंट्रेंसेस के बेसिस के ऊपर होती है, जिस हिसाब से आप वहाँ पे मार्क्स स्कोर करेंगे HPU के एंट्रेंसेस के अंदर, उसी हिसाब से आपकी एडमिशन जो है वो रीजनल सेंटर धर्मशाला के अंदर होती है, चाहे वो LLB है, चाहे वो MA है, MCOM है, MBA है, कि जो आपके MSc जियोलॉजी है, PGDC है, यहाँ पे जो HPU सेंटर की मेरिट लिस्ट होती है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी एडमिशन होती है। ठीक है, सो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हैं कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, वह 26 जुलाई 2023। अप्लाई कैसे करना है, आपको एक अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है वेबसाइट से, आपको वो फॉर्म भर के साथ में आपको एडमिट कार्ड जो आपका होता है, आपने एंट्रेंस दिए हैं वो एडमिट कार्ड साथ में आपको अटैच करके, डॉक्यूमेंट जो आपके साथ में लगने हैं वो आपको अटैच करके, आपको प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे दिया जाएगा, वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा एड्रेस क्या है, आपको उसको बाय पोस्ट या फिर आप खुद भी वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं वहाँ पे बाय पर्सन जाकर। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। बाकी अगर हम लॉ की बात करें तो यहाँ पे टोटल 60 सीट्स हैं, 30 यहाँ पे जो वो सब्सिडाइज हैं, 30 यहाँ पे नॉन सब्सिडाइज हैं। लोगों को यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो आपकी सब्सिडाइज सीट्स होती हैं यहाँ फीस कम होती है, और जो आपकी नॉन सब्सिडाइज होती है यहाँ पे फीस ज़्यादा होती है, यानी कि एक आपकी पेड सीट होगी, आपकी नॉन पेड सीट होगी, तो ये डिफरेंस यहाँ पे है। तो 30 आपकी सब्सिडाइज हैं, 30 आपकी नॉन सब्सिडाइज हैं। अब हम लास्ट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए, आपको सिंपली एक अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है वेबसाइट से, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर भी बताया, ये फिर से बता रहा हूँ, वो फॉर्म भर के उसके साथ जो आपके एडमिट कार्ड है HPU के एंट्रेंसेस का, वो आपको जो है वो साथ में अटैच करना है, जो आपके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साथ में अटैच करने हैं, वो आपको भेजने हैं डायरेक्टर HPU यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर धर्मशाला। तो ये पूरा एड्रेस है, इस पर आपको जो है बाय पोस्ट आपने वो भेजने हैं, पोस्ट करने हैं, सेंड करने हैं, या फिर आप बाय पर्सन भी जाके वहाँ पे इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा एडमिशन प्रोसीजर रहेगा रीजनल सेंटर के लिए। तो आप ऐसे वहाँ पर एडमिशन जो है वो ले सकते हैं, जिनके एडमिशन HPU के अंदर नहीं होते वो यहाँ पर एडमिशन अपने ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की इस वीडियो के अंदर। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई क्वेश्चन क्वेरी तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।